अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा एट पाकिस्तान। आज हम आपके पास एक स्पेशल प्रोग्राम लेके आए हैं। आपको मालूम है जैसे कि पाकिस्तान में इस वक्त एक केयरटेकर गवर्नमेंट है, लेकिन बड़ी दिलचस्प चीज़ है इस केयरटेकर गवर्नमेंट की कि ये केयरटेकर है लेकिन ये बहुत ही तेज़ी से बहुत से काम कर रही है, और उसका भी एक पस मंज़र ये है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। मेरे भांजे ने मुझे कहा कि जी ये पाकिस्तान की नई कॉन्स्टिट्यूशन है, तो शायद वो ठीक कह रहे थे, क्योंकि इन अ सेंस जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक इस वक्त एक क्राइसिस है और बहुत सीरियस क्राइसिस है, उसको बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए ये भी कहते चलें कि पाकिस्तान की आर्मी ने इस पर बहुत महीनों से काम करना शुरू किया था, अगर हम कहें सालों से तो शायद एक दो साल से, इट मे नॉट बी इनकरेक्ट। तो उसको अब लेकर के पहले हमने देखा पिछली गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया, जिसमें कि मिलिट्री की काफ़ी रिप्रेजेंटेशन है, नेशनल कोऑर्डिनेटर है SIFC के, मिलिट्री के जनरल हैं, और फिर इम्प्लीमेंटेशन लेवल हर लेवल पे प्रेजेंस है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ इसमें एज अ स्पेशल गेस्ट आते हैं। सब तफसील पर बात करेंगे कि ये कहाँ बात जा रही है, और ये भी कहते चलें कि जो पाकिस्तान का इस वक्त पॉलिटिकल मामलात हैं वो भी बहुत हद तक अब कोर्ट्स की तरफ चले गए हैं, वो भी किस हद तक गवर्नमेंट्स के पास हैं, दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। हमने आज दावत दी और रिक्वेस्ट किया केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकर साहब को, एंड वी आर ग्लैड कि वो हमारे साथ हैं और बड़ी खरी खरी ये बात करते हैं, हम खरे खरे सवाल करेंगे और खरे खरे आपसे जवाब लेंगे। वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया काकर साहब आप। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी अच्छा, ये बताइएगा कि लेट्स स्टार्ट विद SIFC। हमने देखा अपने इंटरव्यूज में और बात की कि जो पाकिस्तान की आर्मी है वो इंटरफेयर नहीं करती गवर्नमेंट में, और मुझे स्पेस दी हुई है, तो मेरा ख्याल है जो हमें दिखाई देता है बाहर बैठ के वो एक बड़ा जॉइंट एफर्ट है ये जो गवर्नमेंट जिस तरीके से चल रही है। और SIFC ये दुरुस्त है कहना कि इस वक्त इन अ सेंस ये दिस इज द फल्क्रम, दिस इज द पिवट अराउंड विच ये इससे वाबस्ता हैं बड़ी उम्मीदें कि मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। देखिए आप बिल्कुल दुरुस्त इसको इंटरप्रिटेशन इसकी कर रही हैं और उसको दुरुस्त कॉन्टेक्स्ट में भी समझ रही हैं। जो हमारी इल गवर्नेंस की रीजंस थी वो आपको पता है कि सोसाइटी में डिफरेंट फोरम, पॉलिटिकल फोरम पे, इंटेलिजेंशिया में, मीडिया में संजीदगी से दो तीन दिहाइयों से डिबेट हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि SIFC में वो जो इल गवर्नेंस थी इसको अप्रोप्रिएट गवर्नेंस, क्योंकि गुड गवर्नेंस इतना ज़्यादा एक क्लिशे बनता गया है, तो मैं उसको थोड़ा सा मुख्तलिफ करके पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अप्रोप्रिएट गवर्नेंस की एक अटैम्प्ट है। मुख्तलिफ जो सिविल इंस्टीट्यूशंस थे जहाँ पे एक लेग्जिटी थी टू वर्क फॉर डिफरेंट रीजंस, समटाइम वेरी राइट रीजंस एंड समटाइम नॉट दैट राइट रीजंस, उनको एड्रेस करने की कोशिश की गई है, और उसमें जो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ मिलिट्री की है उसने जेल इन कर दिया। अच्छा, उसके जेल इन से जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट कर गया। हमारे जो सिविल सर्वेंट्स है उसमें मुझे एक रेजुनेटेड एनर्जी नज़र आ रही है, लोगों में काम करने की जो है ना वो एक नई स्पिरिट नज़र आ रही है, और बहुत ज़्यादा लोग फोर्थ कमिंग है। तो मुझे खुद और हमारी पूरी कैबिनेट को भी ये जो जॉइंट मैकेनिज्म है इससे काफ़ी हद तक उम्मीद है कि जो इकोनॉमिक वूज हैं उसमें जो बेसिक इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है वो शायद हम अपने स्टेंट में करवाने में कामयाब हो। ठीक है प्राइम साहब, इसमें बहुत से क्लेम्स हुए हैं, बहुत बड़े बड़े दावे किए गए हैं SIFC के प्लेटफॉर्म से इसके हवाले से, तो हम आपसे कुछ चीदा चीदा सवाल करेंगे ताकि लोगों को जवाब मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम बॉर्डर कंट्रोल्स पर आते हैं। देखिए 200-250 मिलियन डॉलर महीने का निकलता है यहाँ से अफगानिस्तान जाते हैं, आप कंट्रोल जब किए। अच्छा, और स्मगलिंग का जो मामला है आप जानते हैं हमसे बेहतर के ये 2-3 दहाई पुराना मामला है, और बहुत मर्तबा जो एफर्ट जैसे अब बात हो रही है पहले भी हुई कि जी इसको कंट्रोल करते हैं, डॉलर की कीमत नीचे चली गई है क्योंकि कंट्रोल हुआ है। ये बताएं नाजरीन को कि हम ये किस तरीके से हमें ये कॉन्फिडेंस हो कि ये जो कंट्रोल हुआ है कल ये फिर पलट नहीं जाएगा, क्योंकि होता रहना इन द पास्ट। देखिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बड़े स्क्यूड और डिस्टॉर्टेड व्यूज़ जो है ना वो मेन स्ट्रीम में फैलाए गए। मिसाल के तौर पे
बलूचिस्तान को लेके कहा गया कि जी वहाँ पे चूंकि इंडस्ट्री नहीं है, चूंकि वहाँ पे ज़रात नहीं है, तो वहाँ के जो बॉर्डर एरिया के नौजवान हैं उनको रोज़गार फराहम करने के लिए आप एक ब्लाइंड आई टर्न कर लें और एक लीनियंसी की अप्रोच इख्तियार कर लें, जिसके तहत ये डिजीज्ड हुआ हमारी पूरी इकोनॉमिक हेल्थ। वो गुड्स जो वहाँ पे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक्चुअली गुड इंटेंशन के तहत इनिशिएट किए गए थे, वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स तक तो नहीं रह सके, बल्कि धीर और चित्राल और एबटाबाद तक उनके इम्प्लिकेशंस और असरात। अच्छा, वो असरात और इम्प्लिकेशंस के नतीजे में किसी के पास ये डाटा नहीं था कि ये हमारे टैक्सेशन का कैसा है निज़ाम को बुरी तरीके से मुतासर कर रहा है, ये हमारे ओवरऑल इम्पोर्ट पॉलिसीज़ को कैसे अफेक्ट कर रहा है, और जो इकोनॉमिक हेल्थ है उसकी मैनेजमेंट पे इसके क्या इम्पैक्ट आ रहा है। इस मरतबा मैं समझता हूँ जो करंट मिलिट्री लीडरशिप है, केयर टेकर गवर्नमेंट है, उनको दो तीन चीज़ों की सेंक्टिटी पे बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। उनकी डिजिटल स्पेस की बाउंड्रीज हैं, उनकी फिजिकल स्पेस की बाउंड्रीज हैं, स्टेट की एयर स्पेस की बाउंड्रीज हैं, इनकी इनको सैक्रोसेंक्ट जो समझना था बदकिस्मती से माजी में उस पे नरमी इख्तियार की गई। इस मरतबा मैं समझता हूँ कि इसको बहुत वजाहत के साथ आर्टिकुलेट किया गया है, चाहे हमारा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है, चाहे हमारा ईरान के साथ बॉर्डर है, मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स दैट हैज़ टू बी रेगुलेटेड। जी, ये मैं कहना चाहूँगी प्राइम मिनिस्टर साहब के, ये आप भी जानते हैं, आपने पोलिटिकल साइंस पढ़ी, यू रेड हिस्ट्री ऑल्सो, हम भी थोड़ा सा जानते हैं, ये पहली मरतबा नहीं है। देखिए ना, मैंने तो आधा दर्जन मरतबा देखा है पाकिस्तान की तारीख में कहा गया, और ये बॉर्डर ये स्टेट का या इंस्टीट्यूशन का बॉर्डर नहीं, ये तो पाकिस्तान का बॉर्डर है, पाकिस्तान की स्पेस है, तो उस स्पेस को सैक्रोसैंक्ट बनाना क्रिटिकल है। तो देखिए ना, बॉर्डर पे कौन होता है, बॉर्डर पे आपके NLC होती है, बॉर्डर पे आपके जवान होते हैं, बॉर्डर पे आपकी ये FC होती है, बॉर्डर पे आपके कस्टम्स होते हैं। तो ये बॉर्डर्स को इन्हीं तो ऑर्गेनाइजेशंस ने, ये तो नहीं कि एक सिविलियन ने जाके डिफेंड करना है, तो ये नहीं हुआ ना इन द पास्ट। मुझे ये बताइएगा, नाज़रीन को ये बताएं कि इस मरतबा, क्योंकि एक्शन हुआ है देयर इज नो डाउट, तो किस तरह हमें ये तसल्ली हो कि ये एक्शन रहेगा। देखिए, मैंने आपको दोबारा मुतवाना अंदाज में गुजारिश कर रहा हूँ कि जो सीनियर मोस्ट लेवल है उसमें जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है वो ट्रांसलेट हो रहा है। अब वो जो जवान वहाँ पर बॉर्डर पे खड़ा है उसको पता है कि मेरी जो लीडरशिप है मिलिट्री की, स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ, वो इसको सैक्रोसेंक्ट जानते भी हैं, मानते भी हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत स्विफ्टली इसके इम्पैक्ट नजर आने शुरू हो गए विद इन 72 hours, 48 hours। सो इट वॉज अ मैटर ऑफ कि वी शुडंट विदर, इनडिसाइसिवनेस जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। और मैं, मुझे ये उम्मीद है कि ये जो डिसाइसिव अंदाज है इसमें कंटिन्यूएशन जो है ना, दैट वुड बी द की, एंड आई होप दैट वी कैन अचीव। देखिए, मेरा ख्याल है ये तो एक हिस्ट्री मेकिंग इवेंट था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ दो दिन, यानी कि पता नहीं 15 घंटे 18 घंटे दो दिन रहे SIFC में। लोग कहेंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है या नहीं आर्मी का, इमरान खान साहब ने भी डेवलपमेंट काउंसिल में उनको शामिल किया, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब ने भी, तो वो तो अब एक और डिबेट है, लेकिन फॉर ऑब्वियसली एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल दिया, तो इट इज़ हिस्ट्री, आई थिंक इट इज़ हिस्ट्री मेकिंग। बट द क्वेश्चन इज कि फॉर एग्जाम्पल इस पे लोग सवाल उठाते हैं कि जी जो इकोनॉमिक आपकी एक निगोसिएशंस आपने करनी है, जो ये मामलात आगे बढ़ाने, क्या ये कैपेसिटी है गवर्नमेंट में और फौज में टू हैंडल दैट? मतलब जब आप बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो SIFC का जो फोरम है उसके पीछे स्टैट्यूटरी पावर्स हैं, तो ऑफ कोर्स इट्स लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है। अच्छा, हैविंग सेड दिस, इसका जो मैकेनिज्म है, जो बिजनेस मॉडल है या जो कॉर्पोरेट मॉडल है, वो जो बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं जिसमें फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की ड्यू डिलिजेंस का जो प्रोसेस है वो पूरा होना है, जो मुख्तलिफ फाइनेंशियल सेक्टर के बेस्ट ब्रेन्स अवेलेबल हैं जिनको वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन हासिल है,
उनकी इनपुट इसमें शामिल है, जहां है इनपुट बताएंगे नाज़रीन को कि मसलन आईएफसी इसमें इन्वॉल्व है नहीं उसमें, है उसमें फॉर इंस्टेंस जिस तरह हमारे माइनिंग के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो हम ड्यू डिलिजेंस की जो बात कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ से भी, जो डोमेस्टिक इक्विटी उन्होंने पेश करनी है उनकी तरफ से, इंगेजमेंट रखी गई है इन फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की, जिन्होंने मुख्तलिफ जो दुनिया में मॉडल्स चल रहे हैं, चाहे वो साउथ अमेरिका में चल रहा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, कनाडा में चल रहा है, उसको बुनियाद बना के ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनकी मॉडलिंग करनी है, और फिर उस मॉडलिंग के तहत ये निगोसिएशन होंगे और ये फाइनल रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे। तो आप फरमा रहे हैं कि ये बेस्ट ब्रेन्स वगैरह आपके पास कंसल्टेंट्स हैं, आपके पास आईएफसी इसमें प्राइवेट सेक्टर के, जी प्राइवेट सेक्टर, दे आर नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड जी। तो अगर ये सब कुछ है तो ये सवाल क्यों उठते हैं कि जी किसी को क्या पता कैसे करें, तो व्हाई इज देयर अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन? देखें लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी है एंड प्लस टाइमिंग्स, ये तमाम प्रोसेस जो है जाहिर है इसकी जो एक बिजनेस सेंस है वो भी मौजूद होनी है, और बहुत सारे जगहों पे आप इंफॉर्मेशन को डाइवर्ज करके बिजनेसेस को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। वंस दे आर इन टू द फाइनल स्टेजेस फॉर द रियलाइजेशन, तो देन इट वुड बी द टाइम टू ओपन अप के कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी इनपुट्स ली गई और ये कैसे फॉर्मुलेशन की तरफ गए। जी बट जो एक ओवरसीज और जो जैसे आईएफसी इज इन्वॉल्व, दिस इज नॉट अ सीक्रेट, आई मीन ये तो इसमें जो वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें सब कुछ उसमें ये तमाम चीजें मौजूद हैं, इन लोगों ने ये एक्सपर्टीज है और ये उस वेबसाइट में मौजूद है जी। अच्छा ये फिर एक और भी सवाल उठता है कि जी जैसे पाकिस्तान सॉवरेन फंड बना, इसमें आप ये जो तमाम ओजीडी सीपीपीएल वगैरह इस पर बात हो रही है कि जी इसमें इन्वेस्ट करेंगे जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, तो ये आपने भी सुना होगा ये सवाल उठता है कि जी पाकिस्तान अपना जो पाकिस्तान जो फैमिली सिल्वर है वो कौड़ियों के दाम बेच देगा, तो ये क्या बात है, तो उसका ज़रा एड्रेस कीजिए उसे। अच्छा देखें जी इसमें जितनी भी गुफ्तगु होती है एट टाइम्स कुछ तो इन्फॉर्म्ड डिस्कोर्स का हिस्सा होता है और कुछ जो है ना बिल्कुल एक लेमन अप्रोच के तहत जो है ना एक रेट्रिक क्रिएट किया जाता है और एक मखसूस बयानिया का अंदाज शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जो इन्फॉर्म्ड डिस्कोर्स है ना उसमें हमेशा दो साइड की आर्गुमेंट्स, इसलिए आपसे पूछ रहे थे क्या दोनों साइड्स की आर्गुमेंट्स मौजूद हैं। हमने इसमें टास्क फोर्सेस की फॉर्मेशन की है और इसमें हमने इंटर मिनिस्टेरियल कॉन्स्टिट्यूशन उसकी की है ताकि हर तरफ का पर्सपेक्टिव उसमें आए और ड्यू डिलीजेंस दोबारा मैं अर्ज करूंगा उसके तहत करके एंड वी विल मल ओवर इट और जो भी डिसीजन होगा विद द बेस्ट पॉसिबल इंटेंशन। स्टिल ह्यूमन एरर इज देयर, हो सकता है हमसे गलती हो जाए लेकिन हमारी जो बदनीयती है वो इंशाल्लाह दिखाई नहीं देगी। तो आप कह रहे हैं अभी दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस, इन द प्रोसेस और उसकी डेवलपमेंट हो ठीक है। और टास्क फोर्सेस में आपने लोकल एक्सपर्ट्स, हम नहीं उसमें दोनों हैं, लोकल एक्सपर्ट्स भी हैं उसमें, हमने प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड किया हुआ है, फॉर इंस्टेंस एनर्जी की टास्क फोर्स है, प्राइवेटाइजेशन की टास्क फोर्स है, उसमें हम मार्केट से भी इनपुट ले रहे हैं, जो स्टेट पर्सपेक्टिव है, सिविल सर्वेंट्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से उनकी भी इनपुट आएगी, तो यू वुड सी और द रेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान वुड सी कि एक बहुत ही पार्टिसिपेटरी अप्रोच आपको इसमें नजर। अच्छा तो ये बताइए अब टास्क फोर्स बनी है और हमें कराची में हमने बिजनेसमैन से बात की जिनको आर्मी चीफ मिले, उन्होंने कहा कि जो उन्होंने कहा हमने टास्क फोर्स बनाई तो इन्होंने कहा कि जी हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारी भी रिप्रेजेंटेशन हो। अब टास्क फोर्स कोई सीक्रेट तो डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता, तो उनके नाम क्यों नहीं है बाहर लोगों के पास? आई मीन व्हाई इज इन द नेम्स ऑफ दोज हु आर इन द टास्क फोर्स मेंट पब्लिक? टास्क फोर्सेस की नोटिफिकेशन को सिर्फ और सिर्फ इसलिए रोका गया है कि आपको पता है कि इवन बिजनेस सेक्टर में डिफरेंट पीपल आर जॉकिंग के वो उसमें होने चाहिए। अब उसमें हमने थोड़ा सा एक हफ्ते दस दिन का ये बट यू विल नोटिफाई, ऑफ कोर्स वी विल नोटिफाई। ठीक है जी। अच्छा अब ये थोड़ा टाइम लाइन पे आ जाता है, ये बताइएगा कि जो प्राइवेटाइजेशन की और प्राइवेटाइजेशन करते हुए जो SOEs हैं स्टेट ओन एंटरप्राइज, उसमें तो कुछ दहाई गुजर गई हैं, कुछ डेकेड्स तो गुजर गए ना। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ देम, आई हैव हर्ड ऑफ देम, आई एम मच ओल्डर टू यू, लेकिन अब मुझे ये बताएं कि
जब आप कह रहे हैं SOEs को हम जो खास तौर पे जो ब्लीडिंग SOEs हैं, कोई टाइमलाइन बताएं, कुछ बताएं। देखें, हम इस सिलसिले में प्राइवेटाइजेशन में का जो प्रोसेस है, एक तो हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान में एक इंतहाई या रिलेटिवली एक कॉम्पिटेंट लीडरशिप उसको प्रोवाइड की जाए जो इस प्रोसेस को लीड करे। हैविंग सेड दिस, ये लेट्स से कि PIA है, SOEs में स्टील मिल है, डिस्कोज हैं, इन तमाम की एक तो टाइमलाइन ऑफ कोर्स इज अ बिग चैलेंज। डिस्कोज के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है कि या उनको प्रोविंशलाइज कर दिया जाए या प्राइवेटाइज कर दिया जाए। हमने एक टारगेट तो इनको ये दिया हुआ है टाइमलाइन का कि एज सून एज पॉसिबल। व्हेन आई से एज सून एज पॉसिबल, आपको पता है कि जो ब्यूरोक्रेटिक पेस है, जो काम 6 महीने में होना है वो उसके लिए साल का बताएंगे, जो साल का है उसके लिए 2 बताएंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमने SIFC के ही प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए इसको हम स्पीड अप करना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ तो आपको बताना होगा अंदाजन टाइमलाइन, बिकॉज अदरवाइज प्राइम मिनिस्टर योर, ये तो फिर वैसी बात है जैसे हम 20 साल से सुन रहे हैं। मुझे जितनी भी टेम्पटेशन होगी मैं उसको अवॉइड इसलिए करूंगा कि नहीं चाहता हूं कि मुझे टाइमलाइन के हवाले से कोई हॉन्ट किया जाए। जो मैं आपकी नाजरीन के इत्मीनान के लिए बता सकता हूं वो यही है कि बाय द एंड ऑफ जनवरी आपको इसकी इंशाल्लाह कोई ना कोई रिफ्लेक्शन जरूर नजर आनी शुरू हो जाएगी, एंड यू विल सी अ क्लियर डायरेक्शन। बाय यू आई मीन योर ऑडियंस विल क्लियरली सी अ डायरेक्शन इन विच वी आर मूविंग। जी, क्योंकि हम आपको हाउंड नहीं कर रहे विद विद टाइमलाइन, लेकिन हम हाउंड हुए हैं ओवर द लास्ट 3 decades सुनते सुनते कि अभी शुरू है जी, अभी ये कर रहे हैं हमने PIA के लिए, ये आप जानते हैं। आई एग्री, आई मीन आई रिस्पेक्ट यू एज अ वेरी सोबर एंड सीजन्ड जर्नलिस्ट, लेकिन आपको पता है कि हम जिस सोशल डिजिटल स्पेस में सर्वाइव कर रहे हैं वहां भी ये तमाम चीजें जुड़ी हुई हैं। हम विल वेट टिल एंड ऑफ जनवरी इंशाल्लाह के। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी पे हमने ये सुना कि एट एवरी लेवल ये कहा गया कि ब्यूरोक्रेसी को हर सूरत पे इट विल हैव टू वर्क फॉर पाकिस्तान, नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान। एक तो खैर हमें लगता है ब्यूरोक्रेसी के साथ थोड़ी ज्यादा भी है, अच्छे भी बहुत लोग हैं। बात यह है कि क्या डंडा ब्यूरोक्रेसी को तेजी पे चलाएगा, क्योंकि या तो हम कहें कि ब्यूरोक्रेसी सब जो एग्जिस्टिंग रूल्स के खिलाफ चल रही है, क्योंकि अगर रूल्स वही हैं जो वो फॉलो कर रही है तो फिर ब्यूरोक्रेसी में तेजी आएगी अगर आप रूल्स बदलेंगे, इस पे कुछ बताइए। इसमें दोनों चीजें, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में बहुत ही आउटस्टैंडिंग सिविल सर्वेंट्स प्रोड्यूस किए, ऐसा नहीं है कि तमाम के तमाम ब्यूरोक्रेट्स जो थे वो पाकिस्तान की तबाही की वजह थे। पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन जो 70 साल की अगर हम देख लें, उसकी जो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स है या नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट को एज अ प्रोजेक्ट भी अगर आप लें, सिविल सर्विसेज का या ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। एक्सक्यूज मी, कायदे आजम ने भी ये फरमाया था कि जो स्ट्रक्चर है एडमिनिस्ट्रेटिव दैट विल डिटरमिन वेयर दिस कंट्री इज गोइंग। आई मीन ही वाज सो प्रेसिएंट एंड वी एब्सोल्युटली एग्री विद कायदे विजन, और इन फैक्ट उसमें जो मेरे ख्याल में मिसिंग लिंक था जो उनकी लीडरशिप थी, जो वो प्रोवाइड कर रहे थे उन सिविल सर्वेंट्स को टू प्रोवाइड द इंस्पिरेशन। लेटर ऑन शायद उसमें थोड़ी सी उस इंस्पिरेशन में ग्रेजुअल कमी आई। अब उस कमी को हम सिर्फ सिविल सर्विसेज की इनकॉम्पिटेंस के साथ इक्वेट नहीं कर सकते। सो सिविल सर्विसेज की अपनी डेफिशिएंसीज और जो लीडरशिप ने इंस्पिरेशन प्रोवाइड करी थी उसकी डेफिशिएंसी। जी जी बिल्कुल, सिविल और मिलिट्री दोनों ने हाई उन दोनों की जो कमी थी उसकी वजह से आपका जो ओवरऑल गवर्नेंस स्ट्रक्चर था वो डिटेरियरेट होता गया। हम जो छोटी सी कोशिश करेंगे वो यही करेंगे जो इस वक्त हमारी मिलिट्री लीडरशिप के साथ भी यही कम्युनिकेट हो रहा है कि वी नीड टू लीड बाय एग्जांपल। अगर हम खुद एग्जांपल के तौर पे लीड करें तो जहां जहां एग्जिस्टिंग रूल्स हैं बहुत सारे बेहतर रूल्स हैं, इशू उनकी इम्प्लीमेंटेशन में आता है। पाकिस्तान में लॉज एग्जिस्ट करते हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं करता। इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने जो
एडमिनिस्ट्रेटिव लेग्जिटी है उसको कन्वर्ट करना है एजिलिटी में, और उसके लिए जो पर्सनल एग्जांपल्स हैं वो सेट करने। अच्छा, तो इसका मतलब कोई अभी सच रिफॉर्म नहीं, ये नहीं कि जो इतनी इतनी मोटी मोटी रिफॉर्म की जो डिस्क्रिप्शन है, यू डोंट थिंक देखिए, यू नो देर इज नो पार्लियामेंट एट द टाइम, बाय पार्लियामेंट आई मीन नेशनल असेंबली, ठीक है, बिल्कुल, उसका जो दूसरा विंग है सेनेट एग्जिस्ट तो कर रहा है, so of course we cannot go into the legislative business. ठीक है, तो you'll wait, नहीं naturally, तो आप wait करेंगे जब तक कि आप जाएंगे नहीं, कोई और नहीं आएगा। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, of course काम है वो, जी जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर स्पेसिफिक बात करेंगे ममालिक के बारे में, एंड सो ऑन सो फोर्थ। स्टे विद अस।